Hello students, I am Ajay Deol sir from Vekanon School Bani. Now we start the next. Okay, हम कर रहे थे chapter 4th वस्तुओं के समूह बनाना. हमने कैसे सभी वस्तुओं के समूह बनाए थे, हमने अलग अलग वस्तुओं को अरेंज किया था. जैसे लोहे की वस्तुओं को लोहे वाले कंटेनर के अंदर रख दिया, तो मान लो हम प्लास्टिक की वस्तुएं उस वस्तुएं हैं तो उनको सारों को एक साथ अलग कर लेंगे. ओके, तो आज हम ये क्रियाकलाप करते हैं, इसे समझेंगे. आइए हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं. ओके, हमने हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकता है. मतलब हमने अपने घर से या विद्यालय से क्या करनी है, वस्तुएं एकत्रित करनी है. हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा, मान लो हमने वस्तुएं कौन कौन सी एकत्रित कर ली, चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा. तो इस तरीके से हमने ये सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया. ओके, नेक्स्ट, बैट, बल्ला, माचिस की डब्बी, आलू, ओके, नमक. हम वस्तुओं को एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते. उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें. तो हमने ऐसी वस्तुएं भी इकट्ठी कर सकते हैं कि जो हमने मतलब सोच ही सकते हैं, मतलब क्लास में नहीं आ सकते, जैसे दीवार हो गए, वृक्ष हो गए. ओके, इस संग्रह के अंदर उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज तथा लकड़ी से बनी है. अब आपने क्या करनी है, वो वस्तुओं को अलग करना है जो कागज तथा लकड़ी से बनी है. इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं. इनमें से एक समूह के अंदर सभी वस्तुएं कागज तथा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थ से नहीं बनी है. इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीकों से अलग अलग वस्तुओं को पृथक में का मतलब होता है अलग कर सकते हैं. आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं. एकत्रित की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची बनाइए. प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए. इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें सभी वस्तुएं संभव हैं, उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक हो सकता है. एकत्रित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है. ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए. उन्होंने बोला आपने कई ऐसी वस्तुएं भी आ सकते हैं जो आपको पता ही ना चलेगा किस चीज से बनी हुई है. तो इसके लिए अब आप अपने शिक्षक या मित्रों से परामर्श ले सकते हैं, विमर्श ले सकते हैं. ओके, वस्तुओं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है, अब देखो यहाँ पे सारणी बनी हुई है 4.1 जिसमें लिखा हुआ वस्तुएं, प्लेट आपने ली, पदार्थ इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ, इस्पात यूज हुआ है, कांच की प्लेट हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, पेन आपने दिया प्लास्टिक का भी हो सकता है, धातु की निब होती है उसके अंदर तो ये भी हो सकता है. ओके, तो इस तरीके से आप अलग अलग कर सकते हैं. वो जो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने के किया जाता है. जैसे हमने पेन बनाया, पेन के अंदर दो हैं, एक प्लास्टिक है और एक धातु की निब है उसके अंदर. ओके, तो इस तरीके से आप तो एक वस्तु के अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ भी यूज हो सकते हैं. ओके, क्रियाकलाप दो के अंदर देखते हैं, सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है. इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं. अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली इन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए. ओके, इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है, हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा, इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है. कई बार तो कोई, अब देखो यहाँ पे 4.2 के अंदर क्या है, लकड़ी है, लकड़ी से हम क्या क्या बना सकते हैं वो लिखा है. ओके, कागज से हम क्या क्या बना सकते हैं, चमड़े से हम कोई शूज बना सकते हैं, बेल्ट बना सकते हैं. ओके, तो प्लास्टिक से हम मग बना सकते हैं, कोई बाल्टी बना सकते हैं. ओके, डिब्बा बना सकते हैं, तो अलग अलग पेन बना सकते हैं, रूही से हम कपड़े बनाते हैं. तो इस तरीके से आपने ये करना है. ओके, नेक्स्ट है,
वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टेबल के अंदर बांट सकते हो। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। इसमें से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपने करने हैं। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।